20 नहीं है, 20 से ज्यादा है। ये तो जो इनकी गोदी मीडिया है ये इस चीज को दिखा नहीं रहे हैं। बाहर निकल के जो अफसर लोग जा रहे हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग मरे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ पे देश के अंदर महामारी है। राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी बहुत अच्छी की थी कि कुछ दिनों बाद बाहर निकलने के बाद मोदी जी को डंडे मारेंगे लोग। मुझे नहीं लगता, क्या पता वो सच साबित हो जाए। देखिए सर, मीडिया वालों के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भुनाने में लगी हुई है। इनकी ये गोदी मीडिया है और इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए अभी ये कोरोना वायरस देश में रुक सकता था अगर ये लोग इस सरकार को, जैसे आज मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बन रही है, 13 तारीख से जब इन्होंने वहाँ पे लड़ाई झगड़े आपस में विधायकों को इन्होंने किडनैप किया और उन्हें लेके चले गए, पिछले 10-12 दिन तक यही खेल चलता रहा इनका बीच में। अगर ये लोग इस कोरोना को रोक पाते तो ये रोक सकते थे। ये तो मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनानी थी, जैसे ही इन्होंने सुबह सरकार बनाई, शाम को रात को आके मोदी जी ने ये पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की एक दिन की अपील कर दी कि एक दिन लॉकडाउन रखिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर आगे चल के इसको बढ़ाने के लिए फिर 31 दिन कर दिया, फिर इसे 14 अप्रैल तक के लिए इन्होंने आगे और बढ़ा दिया। ये सोची समझी इन लोगों की साजिश थी। देश के तमाम मुसलमान जो है, मुस्लिम समुदाय जो बहुत परेशान है, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा से, गुजरात से तमाम मुस्लिम को जो उस तबलीगी जमात में मौजूद थे सबको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखें? देखिए ये मैं इसके बारे में तो क्या कहूँगा, इन लोगों से जो जमात करने वो लोग आए थे, इनकी पहले से ये तारीख निर्धारित थी, ये इसलिए जमात करने के लिए आए थे। ऐसे बहुत सारी तारीखें हैं, जैसे दिल्ली के अंदर देख लीजिए बहुत सारी मीटिंगें होनी थी, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह लिया है, बिल्कुल टच होके हाथ में हाथ उठा के शिवराज जी ने इस चीज़ का शपथ ग्रहण समारोह लिया है। लेकिन माफ़ करना, ये लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बखूबी निकाल के लेके आते जहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, बस इस चीज़ को बखूबी निकाल के लेके आते है कि जहां सिर्फ देश को एकजुट करना है तो ये हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो कि हम लोगों को इस चीज का श्रेय मिल जाएगा। दूसरी बात कि ये लोग कभी भी अपने बारे में स्टिक फैसले लेने के लिए अच्छे तरीके से नियमित रूप नहीं कर पाते हैं। अब ले लीजिए कि इन्होंने लॉकडाउन ये चालू किया था, उसको कब तक कर पाते ये लोग, अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, अब ना जाने आगे भी बढ़ेगा ये। देखिए एक इकट्ठा भीड़ हो जाना, 2 से 4 लोग हो जाना, ये खतरे की निशानी है वाकई में। इसमें इन चीज़ों से बचना है, एक चैन तोड़नी है कोरोना की, तो सभी लोग अपने घर में रुकेंगे तो इसकी चैन रोक पाएंगे। देखिए मैं ये अपने क्षेत्र का बड़ा अच्छा समाज का काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, दर्द सुने मैंने, गया मैं यहाँ पे, कुछ लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, मैं कराने के लिए यहाँ से जा रहा था, करीबन 27 तारीख की बात है, हम रात को यहाँ से गए, बाहर जाके मैं, ये हमारा नेशनल हाईवे हमारे NH1 सामने पड़ता है, लाखों की तादाद में एकजुट होके सराय कालेखा, आनंद बिहार बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, इस पे जाके लाखों की तादाद में लोग एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, क्या वहां से कोरोना नहीं फैला? बीजेपी कह रही है कि कोई भी इंसान जो है भूख से नहीं मर रही है, आप कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में तमाम लोग जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ भोजन, चावल, गेहूं, जो भी हो, क्या ये सही बात है? क्या भूख से लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, ये बताइए ईमानदारी से। नहीं, भूख से लोग वाकई में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पहले से ही लोग बागों के पास GST और नोटबंदी से लोगों की कमर टूट गई थी, और अब जो एक ये महामारी आई है इससे लोगों की और ज़्यादा कमर टूट गई है। लोग पहले से ही बेबस पड़े हुए थे और इस महामारी से सब लोगों के काम धंधे रोजगार बिल्कुल ठप पड़ गए हैं, उनके पास खाने के लिए 2 पैसे भी नहीं है। ये सरकार बस कह रही है कि हम लोग डाल रहे हैं, जब ये लोग मर जाएंगे, जब ये लोग उनके अकाउंटों में पैसे डालेंगे, तो वो किस काम के इनके लिए, परिवार का अपना लालन पोषण ये लोग कैसे करेंगे? आप देख लीजिए दिल्ली सरकार आज कहाँ उतरी है। अगर देश के अंदर देश की जनता, देश का आमाम, देश के लोग अगर खुद हेल्प ना करें लोगों की, तो ये सरकारें बैकफुट पे आके बैठ जाएगी। आज बाहर थोड़े स्टैंडर्ड एरिया में जाइए, सभी लोग
मूलभूत तरीके से घर के बाहर निकले हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। सरकार एकदम में जल्दी से स्टेप लाके इनके काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जनता ने सोच लिया है, मन बना लिया है, वो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार की बस की नहीं है, या सरकार तो सिर्फ सरकार बनाने में लगी रह जाती है, बस MLA खरीदना, सरकार बनाना, इस चीज में लगी हुई है। एक सवाल है सर, दिल्ली पुलिस जो है, केजरीवाल साहब लगातार जब दिल्ली में हिंसा हुई थी तो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस हमारे अंदर में नहीं है। निजामुद्दीन में जो मरकज जो प्रोग्राम किया गया उस पर FIR करने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉलिंग की और कहा कि उन तमाम लोगों पर FIR जल्द से जल्द होनी चाहिए और मैं करूंगा। अब कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर में मामला क्या, कभी कहती है कि नहीं है, कभी कहती है। देखिए, ना केजरीवाल को और ना मोदी को, ना दिल्ली सरकार को और ना इन प्रशासन से काम करने देते ये लोग। ये सिर्फ आपस में वो उसके ऊपर ठिकड़ा फोड़ता है, वो उसके ऊपर ठिकड़ा फोड़ता है। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी चाहे तो ये इतने लोग आपस में जो एकजुट हुए थे ये नहीं हो पाते, चाहे वो सरायकाले खा लीजिए, चाहे वो आनंद विहार बस अड्डा ले लीजिए, इतनी तादाद में लोग एकजुट नहीं होते। अरे, देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उनकी तो कुछ बात रखी है, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर एकाएक आके फैसला लेते हैं, सोच समझ के देश के प्राइम मिनिस्टर भी फैसला नहीं ले रहे हैं। माफी मांगे, माफी जो बाद में उन्होंने माफी मांगी, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले जैसे तैसे नियम बना देते हैं, लॉकडाउन करके पूरे मुल्क को जाम कर देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। इसके बीच जो 20 से ज्यादा इंसान की हत्या हो गई है, जो दिल्ली से बिहार, पूर्णिया, अररिया, कानपुर, लखनऊ जाने वाले 20 ऐसे लोग हैं सर जिनकी हत्या हुई है। सर 20 नहीं है, 20 से ज्यादा है। ये तो जो इनकी गोदी मीडिया है ये इस चीज को दिखा नहीं रहे हैं। बाहर निकल के जो अफसर लोग जा रहे हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग मरे हुए हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों का ये लोग बताना बिल्कुल भी आगे निकल के नहीं आ रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए इन्हें भारी और सटीक कदम उठाने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं, ये 15-20 दिन का काम नहीं है, 5 दिन भी आप तरीके से सब कुछ क्लोज करके अगर आप इस चीज़ों करें, आप लंबा लंबा समय लेके काम करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। लगातार दूसरी तरफ मैगजीन में और न्यूज़पेपर में सरकार की रिपोर्ट कह रहे हैं कि लगातार जो है कोरोना वायरस से बढ़ते जा रहे हैं मामले और जो है लगातार मौत भी हो रही है, इन सब का जिम्मेदार मुसलमान है, कनिका कपूर को नहीं ठहराया जा रहा, जबकि हवाई जहाज के जरिए इस मुल्क में कोरोना आई। कोरोना है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या पूरी सरकार में जो बैठे हुए ये लोग इस चीज को मान ही नहीं रहे कि कोरोना विदेश से आया है, कोरोना बाहर से आया, एयरपोर्ट से आया है। राहुल गांधी जी चिल्ला रहे थे कि इस कोरोना को रोकने के लिए आप लोग कदम उठाइए। राहुल गांधी बार बार इसी चीज का अपने मीडिया के सामने मेरे कुछ सुनने में मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि उन्होंने हर्षवर्धन से भी बात की थी इस चीज को लेके कि आप इसको सीरियसली जरूर जल्दी से जल्दी लीजिए, वरना इस चीज पे देश के अंदर महामारी है। राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी बहुत अच्छी की थी कि कुछ दिनों बाद बाहर निकलने के बाद मोदी जी को डंडे मारेंगे लोग। मुझे नहीं लगता, क्या पता वो सच साबित हो जाए। हकीकत क्या है, विकल्प क्या है इस आवाम के पास? देखिए, विकल्प यही है कि हम सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हम सब लोगों को इस कोरोना से लड़ना है तो एकजुट अपने घर में रहे, अपने बच्चों के साथ दूरियां बना के, सभी के साथ डिस्टेंस में, और इस तरीके से पूरी चीज़ों से अगर जो आप लोगों को बचना है कोरोना जैसी महामारी से, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं है, ये 7-8-10 दिन का ही काम है, इसमें ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। PM फंड का सर क्या मामला है? PM जो केयर फंड जो है, उसे पहले PM राहत कोष भी थी, ट्रस्ट था, लेकिन इस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री खुद प्रेसिडेंट हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी और वित्त मंत्री इनके सदस्य हैं, ऐसी क्या व्यवस्था बन पा रही जो PM केयर फंड को लागू किया, पहले वाले को क्यों नहीं? बिल्कुल साजिश है, क्योंकि PM के पास जो पैसा होता है, PM फंड के अंदर जो पैसा होता है, उस PM फंड से अगर आप लोग, जिस टाइम पे आप लोगों को पता था कि देश के अंदर महामारी फैल रही है, तो आप लोग पहले से उस चीज पे सडनली इस चीज पे बना के रूपरेखाएं और आप लोगों को पहले गरीब लोगों के उसमें डाल देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नया पैसा लेने के लिए लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री आके देश के लिए चंदा मांग रहे हैं, अच्छी बात है चंदा मांग रहे हैं, लेकिन क्या वो MLA और विधायक खरीदने
के लिए चंदा मांग रहे हैं। मैं पूरे मीडिया के अंदर आज यही चल रहा है कि देश के अंदर आके जो प्राइम मिनिस्टर ने चंदा मांगा है, क्या आज उनके पास ये एमएलए खरीदने के लिए पैसे आ जाते हैं, सरकार तोड़ वोड़ के सरकार बनाने के लिए पैसे आ जाते हैं, जनता की सेवा के लिए पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे, जनता से चंदा मांगने के लिए आना पड़ रहा है। तो माफ़ करना दोस्तों, ये लोग बिल्कुल आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में रहिए, सोचिए समझिए, देश के अंदर ये साजिश है इनकी, हिंदू मुस्लिम देश को ना होने दीजिए। ये देश भाईचारे का है, चारों धर्म एक साथ चलते थे उस देश को। ठीक है, रामायण चला के इन्होंने इस देश को ये राम भक्त बनाना चाहते हैं या मुसलमान भक्त बनाना चाहते हैं, इन चीज़ों पे कतई ना जाए अपने देश को। ये चारों धर्मों का देश है, शांति से इस देश की हर जितने भी धर्म है सबको मानिए और तरीके से चलिए। क्योंकि हम पुराना एक दोहा है, मेरे याद तो नहीं आ रहा हो, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सबको मिल के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल जी, जी जी जो तमाम फिल्म स्टार हैं, नेता हैं, पुराने मंत्री संतरी जो भी तमाम लोग हैं, क्या उनको खुलकर सामने आना चाहिए? जो गरीब लोग हैं, जो भूख से मर रहे हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए? सर वो कर रहे हैं, वो हेल्प फिल्मी स्टार भी और बड़े बड़े उद्योगपति भी लोग कर रहे हैं सर। जी 98% को अपील कीजिए कि ऐसी व्यवस्था बनवा। नहीं देखिए, सभी लोग कर रहे हैं, मैं अपील भी करूंगा और सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, देश में अगर कोई आदमी जिसके पास 50,000 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमाने की क्षमता है, वो देश में आए और देश की जनता के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी सेवा करने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।